Students of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson fiber to fabric, right? तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था मिक्स फाइबर्स के बारे में. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉटन के बारे में, ठीक है? तो देखिए कॉटन के बारे में, तो कॉटन जो एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट जो होता है काफी सॉफ्ट फाइबर होता है और वो सीड से ग्रो करता है. कॉटन सीड लगाते हैं हम लोग, तो कॉटन प्लांट होता है जिस पर कॉटन उगते हैं. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. और ये जो कॉटन प्लांट्स ऐसे जगहों पर ग्रो किया जाता है जहाँ का सॉइल जो है ब्लैकिश हो, ब्लैक सॉइल हो, मतलब कॉटन के कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो होता है काफी अच्छा होता है. और साथ ही साथ ऐसा जगह जहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो, वार्म मतलब गर्म, ठीक है. इन आवर कंट्री कॉटन इज कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र. कॉटन जो कल्टिवेशन होता है उसको हर जगह नहीं होता, जो कुछ पार्ट है हमारे कंट्री में जहाँ इसका मैक्सिमम कल्टिवेशन होता है वो आपको कहाँ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, ये सब जगह है जहाँ पर कॉटन का कल्टिवेशन होता है हमारे कंट्री में. कॉटन प्लांट्स नीड ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री से. कॉटन प्लांट्स के लिए टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सी के आसपास होना चाहिए और रेनफॉल लगभग 60 सेंटीमीटर है ना साल में, 60 to 100 सेंटीमीटर फॉर देयर ग्रोथ. उसके ग्रोथ के लिए 25 डिग्री सी के आसपास का टेम्परेचर चाहिए और लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का बारिश चाहिए जो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. और ये कॉटन प्लांट इज बूसी होता है, मतलब चूंकि श्रब होता है ये, है ना, अबाउट 1 to 2 meters इन लेंथ. इसका जो लंबाई होता है 1 to 2 meters का होता है, ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट देखिए इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन, जो ग्रोइंग पीरियड है कब इसको लगाना चाहिए, इज फ्रॉम मार्च स्प्रिंग टू नवम्बर विंटर, मतलब मार्च से लेकर नवंबर तक. मार्च में इसकी बुआई होती है और लगभग विंटर में इसको काटा जाता है नवंबर में. तो कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग. कॉटन के जो सीड्स है स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है उसके शुरुआत में ही उसको खेत को अच्छे से तैयार करके फिर उसमें हम लोग उसको सो करते हैं, है ना. सो करना मतलब उसको लगा ब्रॉड के मतलब सीड्स को उसमें छींटते हैं, ठीक है. कॉटन सीड्स ग्रो स्टेडीली, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. और जो इसके कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं. वही बाद में मैच्योर होने के बाद ब्रस्ट करता है तो उसके अंदर से कॉटन निकलता है. द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है एंड स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स डेवलप. और उसके अंदर बॉल के अंदर छोटे छोटे सीड्स डेवलप करते हैं और साथ में कॉटन के फाइबर्स डेवलप करते हैं. फुल्ली मैच्योर्ड कॉटन बॉल जो है, जो पूरा मैच्योर्ड कॉटन बॉल है, इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द लेमन. जो लेमन होता है ना हमारा नींबू, लगभग उसी साइज का होता है. इट इज ब्राउन इन कलर, लेकिन इसका कलर जो होता है ब्राउन होता है. आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर कर जाता है तो कॉटन बॉल ब्रस्ट ओपन, कॉटन के जो बॉल होते हैं ब्रस्ट करते हैं, फूटते हैं एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. और देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये ब्रस्ट करने के बाद इस तरह के हो जाते हैं, है ना, देख रहे हैं ये फिर इस तरह से ऐसी में से इसको पिक किया जाता है, देख रहे हैं पिक होता है. कॉटन पिकिंग मशीन है, अब मशीन के द्वारा भी पिक किया जाता है सबको, ठीक है. अब देखिए ये जो द हीट ऑफ द सन, द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स. सन के हीट में ये फाइबर्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, टर्निंग देम फ्लफी, जिसके कारण से वो फ्लफी फ्लफी मतलब होते हैं ना, किसी को दाबिए, दाबने के बाद फिर छोड़ दीजिए तो फिर अपने पहले वाले साइज में आ जाता है, उसी को फ्लफी कहते हैं. एज व्हाइट एज स्नो, और दिखने में जैसे लगेगा कि आपको जैसे बर्फ कितना व्हाइट दिखता है, ठीक उसी तरह से. ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो. तो इस दौरान अगर आप कॉटन के फील्ड में जाएं और देखें दूर से तो आपको लगेगा कि जैसे वहां पर बर्फ की बारिश हुई है, स्नो से ढका हुआ है.
अब क्या किया जाता है उसको, नाउ इट इज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मतलब उसके हार्वेस्टिंग का समय हो चुका होता है। कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड, कॉटन के जो क्रॉप है अधिकतर वो हैंड पिक्ड होते हैं, हाथ से उसको बीना जाता है, मतलब हाथ से उसको पिक किया जाता है, उठाया जाता है। बिग फील्ड्स मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग कॉटन, बड़े बड़े जहाँ पर फील्ड है, काफी लंबा चौड़ा फील्ड है, वहां पर पिकिंग मशीन होता है, उसके द्वारा कॉटन को पिक करते हैं, है ना। अब यूजेस ऑफ कॉटन देखिए, कॉटन का यूज, कॉटन फाइबर से यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड लाइनन, कॉटन के फाइबर्स होते हैं उसका यूज खासकर क्लॉथेस और लाइनन बनाने में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉक्स है, टी शर्ट्स है, बेडशीट है ना एटसेट्रा, आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन क्लॉथेस आर, चूंकि हम जानते हैं कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं काफी कम्फर्टेबल होते हैं, खासकर इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, जो अब जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग रहते हैं, बिकॉज देयर आर सॉफ्ट टू टच, क्योंकि उनको छूना पहनना काफी सॉफ्ट लगता है, एब्जॉर्ब स्वेट, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, पसीने को भी अच्छा खासा एब्जॉर्ब करता है और एयर को अंदर बाहर आने जाने देता है, ठीक है, मतलब ये आपको गर्मी के महीने में खासकर कूल फील कराता है, ठीक है। एक क्लॉथ दैट लेस द एयर है ना, मतलब जो ऐसे क्लॉथ जो हवा को अंदर बाहर होने देते हैं, हम लोग कहते हैं कि ब्रीथ कर रहा है ना, एयर इज सेड टू ब्रीथ, और द स्वेट एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन क्लॉथ्स वैपरेट, और जो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है कॉटन क्लॉथ, वो चूंकि बाहर वाले सरफेस पे रहता है, वो जल्दी से इवेपरेट कर जाता है ड्यू टू द एयर इट ब्रीथ्स, जो एयर ब्रीथ करता है उसके कारण से, इट रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन द बॉडी, इसके कारण से हमारा बॉडी ठंडक महसूस करता है, ठीक है। कॉटन इज ब्लेंडेड, कॉटन को ब्लेंड किया जाता है या मिक्स कह लीजिए, मिक्स किया जाता है विथ अदर फाइबर्स के साथ टू मेक मिक्स फाइबर्स, उसके कारण से मिक्स फाइबर्स बनाया जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यह दिया हुआ है टेरिकॉट का, है ना। तो अब देखिए गन कॉटन एंड एक्सपेंसिव है, इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से ही बनाया जाता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ठीक है। कॉटन इज यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड प्लस पस, कॉटन ब्लड को या पस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको देखिएगा घाव वगैरह में मेडिकल प्रोसीजर्स में, है ना, इसका यूज किया जाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है, कह रहे द अर्लिएस्ट रिटन रेफरेंस, जो लिखित जो हमारे पास साक्ष्य है कॉटन के बारे में, है ना, इंडिया इज फ्रॉम इंडिया, कॉटन हैज बीन ग्रोइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर्स, है ना, लगभग 3000 साल से इंडिया में कॉटन को ग्रो किया जा रहा है, बट कॉटन वॉज यूज बाई इजिप्टियन के द्वारा ये लगभग 14000 साल पहले से यूज किया जाता रहा है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, तो ऑफकोर्स क्या होगा, टेरेलिन होगा, नेचुरल फाइबर नहीं है ये, है ना, सी होगा इसका आंसर। अगला है, विच ऑफ दीज फैब्रिक्स विल यू चूज टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, तो ऑफकोर्स हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में आपके लिए कॉटन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, तो डी होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स, तो ऊल, ऊल को ही हम लोग एनिमल के हेयर से ऑब्टेन करते हैं, तो ए होगा इसका आंसर। विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा होता है, ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। तो आजकल आज यहीं तक, कल मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, है ना, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, कपड़े कैसे बनते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।